नमस्कार मित्रों, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय मोदी जी ने राष्ट्र के सामने बड़ी चुनौती जल संकट के स्थायी समाधान के लिए विभिन्न मंत्रालयों और अनेक विभागों को एकीकृत कर एक नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने देश को जल समृद्ध बनाने और हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए अनेक काम प्रारंभ किए हैं। वर्षा जल के संरक्षण हेतु गत वर्ष व्यापक स्तर पर जल शक्ति अभियान चलाया गया था। उसी के क्रम में जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कैच द रेन वेयर इट फॉल्स इस नाम से एक व्यापक देशव्यापी कैंपेन की शुरुआत की गई है। सारे राज्य और सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर इस काम के लिए सस्टेनेबल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स विकसित करने, जलाशयों, तालाबों में और उनके कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हटाने, उनकी भराव की क्षमता को बढ़ाने के लिए डीसिल्टिंग जैसी प्रक्रिया और ऐसी सारी जरूरी गतिविधियां मानसून आने के बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। इन गतिविधियों को सरल और सहज बनाने के लिए हर जिले के में कलेक्ट्रेट और नगरीय निकाय में रेन सेंटर खोले जा रहे हैं। इन रेन सेंटर्स में पानी के बारिश के पानी को कब, कहां और कैसे रोक सकते हैं इस संबंध में प्रशिक्षित कर्मचारी सब लोगों को तकनीकी निर्देश देंगे। मुझे विश्वास है कि इस बार जबकि हम सब ने मिलकर तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं, हम सभी बहते हुए पानी को रोककर एकत्रित करने या भूजल में वापस पुनर्भरण करने, जमीन में पुनर्भरण करने के उपयोग में सफल रहेंगे। भारत के जल संकट के लिए ऐसा करना निश्चित रूप से लाभदायक होगा। आइए हम सब संकल्प लें कि घर का पानी घर में, आंगन का पानी आंगन में और खेत का पानी खेत में रोकेंगे। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। धन्यवाद।